Look at this amazing place, man. Seriously. ओ मेरा हिंदी अच्छा नहीं है फिर भी थैंक यू. मोबाइल गिर गया भाई. लोग ये वाले जो एरिया है इसको कवर करते तो लगता है जैसे कोई एडवेंचर वाले जगह पे आए. साइड से रिवर और फिर ये वाला व्यू. कुंग फू स्टाइल. बचपन में अब तो इतना रहा नहीं. चलो थोड़ा आगे चलते हैं. अभी तो जेंटलमैन बन गया तो ये सब करने का टाइम कहाँ है. जेंटलमैन मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मैंने इस जगह को यानी कि 12 साल पहले इस जगह को विजिट किया था सिक्की लेके. हाँ विंटर्स में. हाँ मैंने सिक्की यहाँ कहीं छुपाया था. अच्छा. हाँ इतना बड़ा हुआ करता था मेरा स्की. ओ भाई ओ भाई तो हो रहा है ना. हाँ रिकॉर्ड हो रहा है. कैसा लग रहा है भाई ब्लॉगिंग करते हुए. न्यू एक्सपीरियंस मज़ा है. जब मैं ले गया था मतलब मेरा वन ऑफ माई सिस्टर सो वो यूट्यूब का ये चैनल स्टार्ट करने वाला था भाई. व्लॉग करते करते मैं थक गया सच्ची. कोई भी आजकल नहीं आते. हाँ शायद कोई भी देखो लोग यहाँ पे आते पता नहीं क्या पकाते थे. शायद काम करने वाला होगा यहाँ पे. काम वाम कुछ होता नहीं था. हम यहाँ पे स्टंट्स करते थे. यही जगह स्टंट्स करते थे. ये क्या कहते हैं इसको स्ट्रेचिंग. हाँ स्ट्रेचिंग करते थे. बैक फ्लिप करते थे. कसम से यार ये जगह ना इधर बसा है. तो इसके एज पे जो है सुरु रिवर जो कि अभी थोड़ा शांत हो चुका है. कुछ दिनों पहले काफ़ी पानी का फ्लो जो है लेवल काफ़ी ज़्यादा था. हाँ तो आजकल जो है बहुत कम हो चुका है. इसके बाद और भी कम होते जाएंगे. तो फिर अगले अप्रैल से फिर से राइस होंगे. तो अभी फ़िलहाल ये इसी तरह बंद होने वाला है. यहाँ पे हम स्टंट्स करते थे. वो है ना वो टनल जैसा. हाँ हम उसके अंदर से स्की चलाते थे. इतना छोटा. हाँ यहाँ पे ये करो स्टैंड करो. हम दोनों वहाँ पे जाके कुछ बात करेंगे ऐसे टाइम लैप्स की तरह है ना. बड़ा ब्यूटी मैन द अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ नेचर इसे ही कहते हैं आई थिंक. क्या खतरनाक आ रहा है यहाँ से. ये वाला व्यू इसका आधा आ रहा है वहाँ तक आ रहा है. खतरनाक. इधर देखना तो यहाँ से आप लोग ठीक सामने जो है कुछ घर बार आपको देखने को मिल रहा है. उससे थोड़ा ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ पे जो है हैदरी मोहल्ला पड़ता है. तो वही उसी के ऊपर जो है अभी कुछ ये वाला मंज़र है. देखो बहुत ही खूबसूरत. फॉग जो है काफ़ी नीचे आ चुका है.
ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है ना वो वाला। हाँ लेकिन ऐसे फोग वाले टाइम में मैं बहुत जगहों को क्रॉस कर चुका हूँ। चल ब्रो यहाँ से आगे चलते हैं। जो पत्थर यहाँ पे आप देख रहे हो आई श्योर कि आपको देखने में कैमरे के थ्रू बहुत ही अच्छा लगेगा। ओए मोबाइल गिर गया भाई लोग, अभी थैंक गॉड कि यहाँ रेत पे गिर गया, वहाँ पत्थर पे गिरते तो फिर पानी भी गिरते तो। हाँ चलो कुछ तो अच्छा हुआ हमारे साथ, मोबाइल गिर गए थे बट इट्स ओके नाउ, क्योंकि ये जो रेत है ना यहाँ पे देखो ये मोबाइल का जगह है, सीधे यहीं पे गिर गए। बाकी इससे पहले मैं यहाँ से आ रहा था ठीक है, अगर वहाँ पे गिरते तो फिर ये मोबाइल कहीं का नहीं रहता। थैंक गॉड कुछ तो अच्छा हुआ मेरे साथ। वाह ब्रो क्या आ रहा है यार, कसम से सुपर। अभी मेरे को ये फिर से बनाने का मन कर रहा है क्योंकि पता नहीं यार बस ऐवे मन कर रहा है कि इसको फिर से बना के लगा लूँ, फिर इसी के थ्रू जो है ब्लॉगिंग करूँ। आई एम श्योर कि ये जो है आपको सामने का व्यू जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, ये वाकई अच्छा है भी बहुत ही खूबसूरत। ये देखो ना यहाँ से आपके मैंने कुछ पिक्स ले जा पाए यहाँ पे थे ना सामने, बहुत बड़ा साइड में ये पहाड़ कितना बड़ा लग रहा है, रिवर यहाँ पे थे। आप किसी को दिखाओ ना बोलो कि मैं यहाँ पे एडवेंचर के लिए गया था, बन जाए ठीक है। जाते जाते यहाँ से भी एक व्यू आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, मस्त है ना, कैसा लगा, बढ़िया लगा। हाँ अगर यहाँ से छुपा के खाली ये वाले जो एरिया है इसको कवर करते तो लगता है कि जैसे कोई एडवेंचर वाले जगह पे आए लेकिन एक्चुअली मैं इसी के साइड में जो है सिटी पड़ता है इस जगह का, तो यहाँ पे एक वीडियो लेने का ट्राई करेंगे भाई लोग। बट कैसे क्या क्या करना पड़ रहा है भाई, सारा कौन सा पत्थर है एक बार देखूं। तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत पत्थर जो है हमारे हाथ लगा है, इस पत्थर का नाम अगर किसी को पता हो तो कमेंट में लिख देना, बाकी नहीं पता तो कोई बात नहीं, बिल्कुल वाइटिश है। ये आप देखिए वहाँ ऊपर कुछ बना हुआ है पता नहीं, लेकिन हम ऊपर जा नहीं सकते और जाने का मन नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ हम जाके वहाँ पे देखते कि क्या बना हुआ है, एक चीज़ है और दूसरा वो है ठीक है, कुछ तो बना है क्या पता चलने के लिए रास्ता हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। बाकी ये देखिए साइड से रिवर और फिर ये वाला व्यू बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे बीच में जो है एक पत्थर है वहाँ पे जाके मैं थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, तो ये रहा व्यू देर कम, चलो बहुत हो गया टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लेट्स गो ब्रो चलते हैं यार, मज़ा आया ना। डेली रूटीन से थोड़ा हटके हैं, देखो यहाँ कहीं शायद मैंने रखा था यार वो, पता नहीं ऐसे पत्थरों के बीच में तो रखा था मैंने, कहाँ है छोड़ो यार, अब ढूंढ के भी क्या करना है ना, अब ढूंढ के भी क्या करना है, यही तो मैं। चलो ऊपर से चलें, तो इधर से है जगह वहाँ पे वो डैम है ना, डैम का असली मेन पार्ट जो है वो यहीं पे है। ओए अब ये जो है हमें चढ़ना है ऊपर यहाँ से, तो ट्राई करते हैं कि कोई इजी सा रास्ता रहे, क्योंकि फिर वर्कआउट के लिए स्टैमिना बचा के रखना है भाई। लो जी निकल गए, तो ये डैम देखिए पानी के बगैर जो है ये ऐसा कुछ दिखता है,
आखिर रेट जो है बहुत बड़ा है इसमें। तो जा रहे हैं हम यहाँ से वापस अपने घर की तरफ। ये बहुत ही अच्छा टाइम जो है बाइक के साथ स्पेंड हो गया जाते जाते। देखो उधर व्यू भी बहुत अच्छा है। हाँ बहुत मज़ा आया, बहुत ही क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड किया घो के साथ, बहुत ही मज़ा आया। मज़ा आया, सोचा नहीं था कि ये टाइम कुछ इस तरह से बीतेगा। बट जम्मू जाने से पहले और इनको वापस बैंगलोर जाने से पहले एक बार फिर मुलाकात तो बनता है ब्रो, एक बार फिर पता नहीं फॉर श्योर जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, राइट? या फॉर श्योर, ये सब तो होते ही, यू नेवर नो। भाईचारा जिंदा रहने के लिए तो ये बॉडी वॉडी बना के फिर मेरे को भेज देना। या तो फिजिक बन जाएगा ना। इंस्टा पे मेरे को भेज देना फॉर श्योर। यू फॉर श्योर जरूर। बहुत मजा आया। बॉडी बिल्डर तो नहीं बनना है? फिटनेस फ्री। हाँ फिटनेस अच्छा होना चाहिए और साथ पस्तर स्टैमिना भी होना चाहिए, इंडोर एंड आउटडोर, यू नो व्हाट आई मीन। होएगा आप बाहर जा रहे हो ना, देखो मैं खासकर यहाँ से कुछ लोग मेरे जैसे कुछ लोग जो है ना बाहर जाते हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे बॉडी जो है फिजिक थोड़ा जल्दी बनता है। हाँ वहाँ पे मॉइस्चर वॉइस्चर ये थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो अच्छा बनता है और जल्दी बनता है। यहाँ पे ड्राई एटमॉस्फेयर की वजह से इतना जल्दी नहीं बनता है और ना अच्छा बनता है। Look at this amazing place, seriously. हाँ यार वो मैं बोलता ही नहीं हूँ ना अपने वीडियोस में, मैं बहुत कम बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, वो मैं बोलता नहीं हूँ, तो आज मैं वो बोलूँगा। मेरे वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, उसके साथ जो है बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके बाद अगर और भी ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक करना, फिर शेयर करना और कमेंट करना। अगर आप लोग सच में होते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बाइक के लिए ये कर देना सब्सक्राइब। करने में कोई नहीं कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, यही तो मैं बोलना हूँ। और मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है, सो मेरा हिंदी अच्छा नहीं है फिर भी थैंक यू। सो देर इज नथिंग रॉन्ग इन यू नो सपोर्टिंग अदर्स, यू नो इट्स जस्ट दैट यू नो लाइक व्हाट यू से, कीप गाइडिंग अदर्स, कीप सपोर्टिंग अदर्स, इन दैट वे वी आर एक्चुअली लिविंग, लाइक यू नो वी आर ह्यूमन आफ्टर ऑल। नाउ जनरेशन हैज चेंज्ड, एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड मनी, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक बीइंग ह्यूमन। सो Till then, take care guys and see you in the next video. यहाँ पे फिर से कितना मजा आता है, रहने के लिए जगह भी यहाँ पे ठीक है। अरे यहाँ पे इसको एंड करना। Let's go, man. चलो हाँ। ले नहीं सकते तो ऐसे ही कर लो, है ना? लेकिन ये एवरेज है। वो यहाँ पे हमें कैमरे को कहीं फिक्स करके जो है कुछ शॉट्स लेने थे बट हो नहीं रहा है। एक तो ये भी जो है टूट चुका है तो काम नहीं कर रहा है, तो अभी सोचा कि फ्रंट कैमरे के थ्रू जो है इसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ। बहुत ही मस्त व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है और बैक साइड से आप देख सकते हो कि जैसा है वो। चलो ब्रो यार आते हैं ना, चलते हैं यहाँ पे फिक्स करके फिक्स करना था लेकिन हो नहीं रहा है, तो चलते हैं। ओके तो चलते हैं भाई लोग यहाँ से। मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया कि आजकल का जो मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है वो कुछ नहीं करते हुए हो रहा है। मतलब मैं कभी ब्लॉगिंग करता हूँ तो ज़्यादातर मेरा टाइम जो है कुछ नहीं करते हुए बीत रहा है, तो आज मज़ा आया कि इस जगह पे दोबारा से विज़िट करके बहुत अच्छा फील हुआ।
फिर अपने से अलग। हाँ ये रूटीन से हट के साथ इस रूटीन को हम वो वाले 12 साल पहले जो बचपन में हुआ करते थे उससे रिलेट कर सकते हैं ना। यहाँ से निकल रहे हैं फिर आगे आप लोग को पता है जैसे आते हुए वीडियो में आपने देखा था कि इकबाल ब्रिज पड़ेगा, फिर सामने ये गेट होगा, फिर वो चौक होगा, फिर बस स्टैंड होगा। तो इससे बेहतर हम ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा बोर जो है नहीं कराना चाहता। तो आई होप कि ये ब्लॉग जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मेक श्योर एवरीवन सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं आगे और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, साइन आउट।